मेरा नाम सर विकास है और मेरी उम्र 66 में है। मैं बिहार से मधुबनी से संपर्क में हूँ और तकरीबन जो है मैट्रिक के बाद 76-5 में जो है ना मैं दिल्ली में आ गए थे और यहाँ से अपना रोजी रोजगार का काम शुरुआत किए थे। तो आपने ये पेंटिंग का काम या फिर ये कारीगरी कहाँ से सीखी? ये सर हमने करोल बाग लेबोरेटरी सिनेमा के नीचे एक वो सरदार थे, मतलब अपने सगे भाई थे, वो सबका अलग अलग दुकान थी, उसमें हमने वहाँ पर जो है सपोर्ट मिला, हमें वहाँ पर काम सीखने को जगह स्थान मिला। सबसे स्टार्टिंग में काम सर हमें एम्बेसडर मिला था, उस पर एक क्वार्टर पैनल था, एक वो भी हमें ध्यान है, और एक दरवाज़ा था जो पिछला रेयर रोड, वो दरवाजे दो पीस की गाड़ी थी और वहाँ से हमने काम स्टार्ट किए थे। लगभग करीब करीब 80 के आसपास में, मतलब पूरा प्रॉपर हमने काम अपने अंदर में हैंडल कर लिया। उसके बाद तो फिर हमने आ गए दीप होंडाई में, 3-4-5 लड़के होते थे, वहाँ पर दिन भर काम किए, उसके बाद फिर कपड़ा चेंज करीब 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 2.5-3 साल के लगभग मैंने वहाँ भी काम किया। आपने सोचा है अगर आप ये पेंटिंग का प्रोफेशन नहीं चुनते तो आपने कुछ और नहीं सोचा था? नहीं, सोचा तो था। देखिए वहाँ पर एक मैकेनिकल जो भी हमारे नॉलेज में आया, जो मैं भी एक टेक्नीशियन बनूँ, अच्छा एक कारीगर बनूँ, लेकिन कुछ एक वर्कशॉप के अंदर एक ऐसी घटना घटी जो वहाँ से मूड ही चेंज हो गया। देखा कि जो एक नीचे में मेटाडोर के नीचे में एक कारीगर कुछ नट काटने के चक्कर में जो है ग्राइंडर जो है उसको मिसप्ले हुआ है और ये सीधा जो है ना यहाँ पे गिरा है। उसके बाद तो फिर मैंने कान पे सोचा ना भी, मतलब लगा कि जो हम घबराहट सी हो गई, तो उसके बाद फिर तो अपना पेंटिंग में ही रमते गए और फिर चलते गए। आपने अब तक कितनी गाड़ियां पेंट की होंगी, कोई एस्टिमेट है? सर तकरीबन इसमें तो कोई लिमिट है नहीं, कई लाख गाड़ी जो है हमारे यहाँ से काम करके जा चुका है, कुछ लिमिट नहीं है उसका। काम कोई भी हो उसके अंदर बिल्कुल एक साइलेंस टाइप का, उसके अंदर दिमाग स्थिर होनी चाहिए, जो काम को करने से पहले समझना जरूरी है। काम को हम तो कर लेंगे बाद में, लेकिन हो सकता है कुछ घबराहट के कारण जो है ना काम मिसप्ले भी हो सकता है, तो इसलिए उसकी मानसिक संतुलन बिल्कुल ठीक होनी चाहिए। अच्छी चीज़ें में ये है जो कि उसको, जैसे हम कोई गाड़ी हमसे बहुत बढ़िया बनी तो उसे बहुत चॉइस किया जो कि हाँ उस्ताद जी हमें काम आपने बहुत बढ़िया करके दिए, तो ये चीज़ें सुनने के लिए बहुत अच्छी चीज़ है। इंसान है, गलती हो जाती है, हाँ हो जाती है, एक छोटी मोटी गाड़ी में कुछ ना कुछ तो हुआ होगा कभी। हाँ कभी कई गाड़ियों में हुआ है ऐसी बात, तो कंप्लेन हुआ है, जैसे कि कभी हम एयर कंप्रेसर से कभी पानी आ गया तो गन के साथ हमारे पास मटेरियल के पेंट के साथ जो अगर बबल आ जाती है तो रिप्लेस हमें फिर वापस अगले दिन नेक्स्ट डे जो है ना उसको फिर ठीक करके देना पड़ता है। आपके उस्ताद की कुछ आपको ऐसे बात याद है? हसन नाम करके था उसका, मेरा उस्ताद का नाम, पहले तो ये था जो कि थप्पड़ भी मार देते थे बच्चों को जो कि काम में गलती हो जाती थी, लेकिन वो हमें एक्चुअली इतना कॉपरेट किए फीलिंग नहीं हुआ तक कि जो आपको कोई ऐसा उस्ताद हों या हम आप लेबर हों हमारे, ऐसा कुछ नहीं, बिल्कुल फुल करके काम किए और सिखाए भी, हमें बताए भी। कोई गाड़ी नहीं छूटी है जो हमसे काम नहीं हुआ, कोई ब्रांड नहीं, कोई कंपनी नहीं ऐसा जो कि काम हमसे नहीं हुआ। मेरी एक्चुअली सिल्वर का चॉइस ज्यादा होता है। टाइम पास के लिए अपना वर्क जो है कुछ ना कुछ लग गए तो कहीं ना कुछ, अगर उससे भी खाली है तो अपना मोबाइल से यूट्यूब पर में कोई धार्मिक सीरियल जो है उसके सारे टाइम काट लिया। अच्छा, ये तकरीबन करीब 8-10 महीने हो गए हैं, ये जो गो मैकेनिक से जब ये करीब साल होने को आ गया है तो 2-3 महीने तो गुजर चुका था, उसके बाद हमें कंफर्म हुआ जो कैसे से बात है आप वहाँ पर, आपकी ज़रूरत है आप एक बार ट्राई करें वहाँ जाओ। अच्छा आपको पता है ना कि गो मैकेनिक प्रधानमंत्री के स्किल इंडिया मिशन, एनएसजीसी के स्किल इंडिया मिशन के साथ जुड़ गया, तो आपको कैसा लगा?
देखें ये सर, ये जो है गो मैकेनिक को, इसको सरकार स्किल इंडिया से जो है जुड़ा हुआ है और इसको अच्छा एक लेवल पे लेके दोनों जो है लेके चलना चाहता है। ये हमारे गो मैकेनिक के इसमें जो है स्टाफ कुछ आ करके हमसे ट्रेनिंग के रूप में बताते हैं और हम इस काम को हम खूब अच्छे तरीके से, बेहतर तरीके से इसको हम काम को प्रोसेस करते हैं।